ओके, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। माता की चौकी रखी हुई है जी। किस तरह आप बता सके? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी यही कुछ 15 दिनों में हमारी शादी है और माता की चौकी से अच्छा और क्या शुरुआत हो सकती थी। तो हमने सोचा हमारे जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं वो सारे आएँ और हमारे साथ मिलकर भजन कीर्तन करें और इस हम दोनों के इस बॉन्ड को आके अपनी ब्लेसिंग्स भी दें और माता रानी की ब्लेसिंग्स भी दें। ओके, शादी की समय शुरू हो चुका है, मतलब आज ही मतलब शुरुआत हो गई है। गई है जी। क्या कहना चाहेंगे, नई जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, नए पड़ाव के लिए किस तरह की तैयारी? बस एक्साइटमेंट है और नर्वसनेस आई एम श्योर सबको होती है और हम दोनों ही अब 9 साल से साथ में हैं तो मज़ा आ रहा है। अलग ही एक्साइटमेंट है, अलग ही एक उत्साह है और बस और क्या कहूँ, बस सब बिजी हैं। बहुत एक हेक्टिक भी है काफ़ी, यू नो 15 दिन में शादी है, बट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या साल की जो जर्नी है रिश्ते में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो ये 9 साल आजकल तो लोग हो जाता है, तो 9 साल की जर्नी कुछ अगर आप बताएं, थोड़ा प्यार अपना, थोड़ा देश की जनता को बताइए। देश की जनता को प्यार। रिश्ता जब ही स्टार्ट हुआ था हमारा, जब हम मिले थे, तो जब से ही हमने एक दूसरे को ऐसा सोच लिया था कि अब से जो है वो है। तो अभी टूटना बिखरना जुड़ना जो भी है, अब जो भी है एक साथ रहना। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही जो इन्होंने कहा, आई थिंक 9 सालों में हमने तो बस शादी करने में देर कर दी थोड़ी सी, बट एक तरह से तो शादी हो ही गई है, 9 साल से साथ में हैं, तो अब बस एक फॉर्मली शादी करके हो जाएगा सब। किसने प्रपोज किया? मैम ने किया कि आपने किया? वो थोड़ा स्टोरी अलग है बट ओके, मतलब थोड़ा सा आप अपनी लव स्टोरी बताइए कुछ, अगर आप बता सके कैसा आप मैम से आप अप्रोच हुए, हाँ कैसे मिले थोड़ा? मुझे जिम का बहुत शौक है, तो मैं जिम जाता था तो ये भी वहीं आती थी तो मैं सिर्फ 1 साल देखता रहता था वहाँ जो भी है तो 1 साल या 1.5 साल बाद मैंने फिर बात करना चालू हुआ। तो मैम आपने कभी नोटिस किया क्या, मतलब 1 साल की जो जर्नी में ये नहीं ऑफ कोर्स नोटिस किया मैंने और आज तब नोटिस किया तभी तो आज ये यहाँ है मेरे साथ और इतने टाइम से मेरे साथ हैं, तो किया 1 साल 1.5 साल नोटिस जी। ओके, कुछ अनबन हुई होगी तो कौन पहला मनाता है किसको, मतलब अगर फाइट हो जाती है आजकल तो कौन पहला मना लेता है, किस मतलब आप मनाने जाते कि सर मनाते? एक्चुअली विकास की ये बहुत अच्छी आदत है, बच्चा समझकर मुझे ना हर बात पे छूट दे देता है। कुछ भी होता है चाहे मेरी गलती क्यों नहीं हो, मनाता मुझे विकास ही है। और ये मैं एक्चुअली देश के सारे ही मर्दों से कहूँगी कि आप ऐसा करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, मानिए मेरी बात, सीखिए इनसे और पहले आप ही मनाया करिए। ओके, अब शादी बाहर होने वाली है तो टेलीविजन से आपके कितने फ्रेंड्स आने वाले कुछ अगर आप बता सके शादी में, और क्या मुंबई में भी क्या रिसेप्शन होने वाली है कुछ अगर आप बता? तो यार रिसेप्शन तो सब करते हैं, इसीलिए आज हमने माता की चौकी की है और मेरे जितने भी इंडस्ट्री के दोस्त हैं उन सबको मैंने यहाँ बुलाया है। शादी हमारी थोड़ी सी इंटीमेट होगी, हम रणथंबोर सवाई माधोपुर में शादी कर रहे हैं तो शादी हमारी इंटीमेट होगी, लेकिन आज हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए और माता रानी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमने हमारे सारे मुंबई बेस्ड फ्रेंड्स को बुलाया है। आर यू प्लानिंग फ्यूचर, कोई रियलिटी शो आप दोनों एक साथ करने की इरादा है, बिग बॉस या कुछ करने का इरादा है? फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू।